फ्रेंड्स नमस्कार सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर दीपक देवगन, डॉक्टर देवगन फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक वायरस के बारे में। निपा वायरस आजकल काफ़ी चर्चा में है। एक वायरस जिसको इबोला वायरस कहा जाता था, जो चमगादड़ों से होता था, उसने पूरे विश्व में आतंक मचाया। उसके बाद जीका वायरस आया, जो गर्भवती स्त्रियों और गर्भ में पल रहे शिशुओं को निशाना बनाता था। आजकल जो वायरस चर्चा में है वो है निपा वायरस, इसको NIVV बोलते हैं। इसको ये जो वायरस संक्रमण है काफी तेजी से फैल रहा है। ये ना तो नया वायरस है ना ही ये संक्रमण है, लेकिन पॉपुलेशन भारत की इतनी ज्यादा है कि कोई भी बीमारी संक्रमण की तरह फैल जाती है। आजकल चर्चा में ये निपा वायरस है। निपा वायरस केरल में कई मौतों का कारण बन चुका है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये निपा वायरस आखिर है क्या, इससे अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसमें क्या लक्षण होंगे और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। निपा वायरस सबसे पहले 1998 में मलेशिया के निपा क्षेत्र में पाया गया, इसीलिए इसका नाम निपा रखा गया। ये इसका संक्रमण जो है, इसका जो वाहक था वो सूअर था। सूअरों से ये वायरस जो है एक दूसरे में जाता था। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में इस वायरस का जो है पाया गया। 2001 में ही भारत के सिलीगुड़ी एरिया में, जो कि लगभग बांग्लादेश के बॉर्डर से ही था, तो वहां पे इस वायरस को मिला। दूसरी बार नदिया जिले में ये 2007 में पाया गया, और इस साल अभी जो है केरल में ये वायरस आतंक मचा रहा है। मलेशिया में किसानों को जब मस्तिष्क ज्वर हुआ, तो जब कारण देखा गया तो उनमें निपा वायरस का संक्रमण पाया गया, जो कि सूअरों से जो संक्रमित होता है। अगर हम देखें कि किन व्यक्तियों को ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें सबसे पहले वो लोग जो सूअरों से के हाथ रहते हैं, या सूअरों का कारोबार करते हैं, या सूअरों का मांस खाते हैं, उनको इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा वो किसान जो कि चमगादड़ के चपेट में आ जाते हैं, उनको निपा वायरस हो जाता है। तीसरा, अगर कोई लोग कच्चे फल खाते हैं जिसको चमगादड़ ने काटा हुआ हो, तो वो चमगादड़ का खाया हुआ फल खाने से भी निपा वायरस का संक्रमण होता है। और चौथा कारण, एक व्यक्ति जो निपा वायरस से ऑलरेडी संक्रमित है, वो दूसरे व्यक्ति को ये निपा वायरस दे सकता है। तो ये चार मुख्य जो है कारण है जिससे ये निपा वायरस हो सकता है। अगर हम इसके लक्षण देखेंगे, लक्षण क्या क्या हैं, तो प्रारंभिक लक्षण में सिर दर्द, बुखार होना, गर्दन में अकड़ाहट, बेचैनी, मांसपेशियों में खिंचाव होना, ये आम लक्षण जो एक वायरल संक्रमण के होते हैं, वो सारे जो है लक्षण इस वायरस के होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो बहुत तेज बुखार आ जाता है, साथ ही वो बुखार जो है मस्तिष्क को जो है इफेक्ट करता है, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं, व्यक्ति को दौरा भी आ सकता है, 5 से 7 दिन में व्यक्ति जो है कोमा में चले जाता है। तो ये सभी जो लक्षण हैं प्रारंभिक लक्षण हैं, और बाद में जो है ये उग्र रूप धारण कर लेते हैं। ये सब लक्षण निपा वायरस के संक्रमित होने से होते हैं। कोई भी निपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ऐसा कुछ भी लक्षण दिखता है, तो उसको आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना जो है टेस्ट कराना चाहिए, अपना उपचार कराना चाहिए। उस मरीज की गहन देखभाल ही इसका इलाज है। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस मरीज को हम अलग रखें, ताकि वो दूसरे व्यक्तियों को ये संक्रमण ना पहुंचा पाए। ICU में उसको रख के उसकी उचित देखभाल, उचित चिकित्सा करनी चाहिए, ताकि ये संक्रमण आगे ना फैले। जैसे कि आप जानते हैं कि एक वायरल बीमारी है, तो एंटीबायोटिक्स का इस पर कोई असर नहीं होता है, और इतने स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस नहीं हमें मिल पाते जो इस वायरस को निष्क्रिय कर दे, तो हमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत रहती है। और मैं आपको अब बताऊंगा कि किन किन बातों का हम ध्यान रखें ताकि इसका संक्रमण ना हो पाए। सबसे पहले सूअर या सूअरों का साथ रहने वाले या सूअरों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में ना आए। बार बार अपने हाथ धोएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो भी व्यक्ति इससे संक्रमित है उससे दूर रहें। कच्चे फलों का सेवन बिल्कुल ना करें, और जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पे संक्रमण के चांसेस हो सकते हैं, तो मास्क का उपयोग जरूर करें। कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से संक्रमित होता है, तो उसको आसपास के किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कराएं,
लेकिन साथ ही उचित दूरी बनाए रखें, साफ सफाई अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इन सब चीजों का पालन करके आप इस वायरस के प्रकोप से बच सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वायरस केरल में प्रवेश कर चुका है, ये आगे ना फैले उसके लिए बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें रख रखाव की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हमें इस जो है वायरस के प्रति जागरूकता फैलाना जरूरी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 3 महीने के अंदर पर ही हमें 4,000 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है, हमारे वीडियोज़ को पसंद किया है, हमारे वीडियोस को लाखों की संख्या में व्यूज मिले हैं। हमारे जो है वीडियोस आप सबने पसंद किए, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आपका प्यार आपका आशीर्वाद बना रहे। आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि इस वायरस के प्रति जागरूकता फैल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, हमारी क्या गलतियां रह गई, जो भी हमारे जो है इसमें हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, या कोई टॉपिक जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट हो वो आप लिख सकते हैं। हर एक टॉपिक पे जो आपके इंटरेस्ट का हो उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, मैं डॉक्टर दीपक देवगन आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।